प्रयागराज सहित प्रदेश में अपनी जड़ें जमा चुके माफिया अतीक अहमद के 44 साल के आतंक को प्रदेश की योगी सरकार ने 48 दिन में खात्मे की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। पुलिस के बाद अब ईडी ने अतीक और उसके करीबियों के काले कारोबार के साम्राज्य को ध्वस्त करने में जुटी है। ये सब मजबूत इरादों वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार में संभव हो पाया है। अतीक अहमद पर पहला आपराधिक मामला 1979 में प्रयागराज के खुल्दाबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था। तब से 44 साल के उसके आपराधिक सफर में उस पर 102 केस दर्ज हुए, लेकिन किसी भी मामले में कोई सरकार उसे सजा नहीं दिलवा पाए। योगी राज में पहली बार यह संभव हुआ जब पूर्व बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह अधिवक्ता उमेश पाल के अपहरण के मामले में MPMLA की कोर्ट ने अतीक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इधर 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या से कानून व्यवस्था को चुनौती देने के अतीक और उसके गुर्गों के दुस्साहस के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी के माफिया को मिट्टी में मिलाने के संकल्प ने अतीक के जुर्म और जरायम के साम्राज्य को तहस नहस कर दिया गया। अभी तक अतीक के बेटे असद सहित उसके 4 गुर्गों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। अपराध से अर्जित की गई उसकी और उसके गुर्गों की 1400 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई थी। इसे अतीक के आतंक का अंत माना जा रहा है। एक तरफ योगी सरकार की तरफ माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का सिलसिला जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ आर्थिक अपराध से जुड़ी जांच एजेंसियां भी अतीक के आर्थिक साम्राज्य को चोट पहुंचाने में लग गई है। अतीक अहमद पर दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच में जुटी प्रवर्तन निदेशालय की 15 टीमों ने प्रयागराज में अतीक के करीबियों के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इसमें अतीक अहमद के वकील खान शौलत हनीफ, अतीक के अकाउंटेंट सीताराम शुक्ला, रियल एस्टेट कारोबारी खालिद जफर, बसपा के पूर्व विधायक आसिफ जाफरी, बिल्डर संजीव अग्रवाल, कार शोरूम मालिक दीपक भार्गव के नाम शामिल है। इस कार्यवाही में 100 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्तियों का भी खुलासा हुआ है। वैसे अतीक पर 2 साल पहले 2021 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था और इस मामले में उसकी 8 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई थी। प्रयागराज शहर में अतीक अहमद के करीबियों के ठिकानों पर की गई कार्यवाही में प्रवर्तन निदेशालय को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बेहद अहम सबूत मिले हैं, जिससे उसके काले कारोबार के नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी की छापे की कार्यवाही के दौरान बरामद दस्तावेजों से 50 से अधिक ऐसी शेल कंपनियों का भी पता चला है जो डमी कंपनियां हैं, जिनका मालिक दस्तावेजों में तो कोई और है, लेकिन इनमें रकम अतीक ने निवेश की थी। इनके जरिए अतीक अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट में तब्दील करता था। इन कंपनियों में MJ इंफ्रा ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स जाफरी स्टेट लिमिटेड, फना एसोसिएटेड प्राइवेट लिमिटेड, MJ इंफ्रा हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, F&A एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड, असाद सिटी, MJ इंफ्रा स्टेट प्राइवेट लिमिटेड और MJ इंफ्रा लैंड LLP जैसी कंपनियां शामिल हैं। इनमें से अधिकतर वो कंपनियां हैं जिनके विषय में जिला पुलिस ने पहले ही शासन को पत्र भेजकर इनकी जांच प्रवर्तन निदेशालय से कराने का अनुरोध किया है।